हेलो दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं फीस और आप देख रहे हैं गपशप विद द फीस। तो दोस्तों, जुग जुग जियो का ट्रेलर थोड़ी देर पहले आउट हो चुका है एंड ये ट्रेलर देखने के बाद बस एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि कुछ फिल्में होती हैं आप उनको ट्रेलर से बिल्कुल भी नहीं जज कर सकते और जुग जुग जियो ऐसे ही फिल्म होने वाली है। हालाँकि दोस्तों, ट्रेलर में हमें कॉमेडी सीन्स वगैरह कम दिखाई दिए हैं लेकिन इमोशनल सीन्स इसमें ज़्यादा देखने को मिले हैं। अब बहुत सारे लोग इस ट्रेलर को देखने के बाद यही जज करेंगे कि ट्रेलर में उनको इतना मज़ा नहीं आया, फिल्म अच्छी नहीं होने वाली है। लेकिन मेरा कहना यह है कि ट्रेलर में जितना भी मैंने देखा उससे यही अंदाज़ा हो सकता है कि ये फिल्म गुड न्यूज़ की तरह होने वाली है, जहां हमें कॉमेडी के साथ साथ इमोशनल का तड़का देखने को मिलेगा। और बात करें अगर जुग जुग जियो की, तो इसमें वरुण धवन एंड कियारा एडवानी फॉरेन में रहते हैं और वो हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन उन्हें डिवोर्स चाहिए, जिसके लिए वो अपने माता पिता से बात करने के लिए इंडिया आएंगे और उसी दौरान एक शादी होगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट ये है कि एक्चुअली वरुण धवन के माता पिता यानी कि अनिल कपूर एंड नीतू कपूर दोनों आपस में डिवोर्स चाहते हैं। अब क्या वरुण धवन जो फॉरेन से आएंगे वो अपने माता पिता को अपनी बात बताएंगे या अपने माता पिता को डिवोर्स होने से बचाएंगे, ये सब फिल्में देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और यही चीज़ें फिल्म में कॉमेडी प्लस इमोशनल ज़रूर लाएगी। अब दोस्तों, बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर में मुझे वरुण धवन अनिल कपूर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इन दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी गजब की लग रही है और इनके बीच में जितने भी कन्वर्सेशन सीन दिखाई दिए हैं ट्रेलर में, उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि इन दोनों के जो कन्वर्सेशन सीन्स होने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं और काफ़ी ह्यूमरस होने वाले हैं। और साथ में इन नीतू कपूर भी इमोशनल साइड करती हुई नज़र आएंगी और इसके अलावा मनीष पॉल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। एंड कियारा एडवानी जो ऑब्वियसली इसमें काफ़ी गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल लग रही हैं, उनका काम भी इसमें काफ़ी अच्छा होने वाला है। और इसके अलावा फिल्म की म्यूज़िक काफ़ी अच्छी होने वाली है और ट्रेलर में दो तीन गाने दिखाए हैं और सारे गाने की म्यूज़िक मुझे काफ़ी पसंद आई है और स्पेशली वो पंजाबी सॉन्ग काफ़ी कैची है एंड काफ़ी हिट नंबर होने वाला है। तो जुग जुग जियो में म्यूज़िक को लेकर कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों, थैंक गॉड ट्रेलर क्रिंज भी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ट्रेलर को अगर आप दो तीन बार देखेंगे तो ज़रूर आप ये फिल्म कैसी होने वाली है समझ जाओगे। और डेफिनेटली अगर आपने राज मेहता ही की फिल्म गुड न्यूज़, जिसमें हमें अक्षय कुमार नज़र आए थे, वो फिल्म आपको अगर पसंद आई है तो डेफिनेटली जुग जुग जियो भी आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों, ट्रेलर देखने के बाद मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जुग जुग जियो एक कम्प्लीटली फैमिली एंटरटेनर मूवी होने वाली है। इस मूवी में कुछ ज़्यादा वल्गैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्रिंज बिल्कुल भी नहीं है एंड ये फिल्म डेफिनेटली दिलों को जीतने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों, जुग जुग जियो के ट्रेलर को मैं रेट करने वाला हूँ 4.2 आउट ऑफ 5 स्टार्स। दोस्तों, आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।